500-600 टाइम्स आप एक पेनी स्टॉक से कमा सकते हैं। पहले मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, 200-300-400-500% तक रिटर्न आया है। और जैसे कि जेपी पावर मैंने बताया था, जो सिटी नेटवर्क का स्टॉक 1 रुपीज से 5 रुपीज चला गया। कितने सारे इन्वेस्टर इस सवाल का सही जवाब देते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक गिफ्ट भी दूंगा, वो भी बिना किसी पैसे दिए हुए। बहुत सारे पेनी स्टॉक बताऊंगा जिससे कि इसके शेयर प्राइस में एक बड़ा बूम आ सकता है। स्टैंडर्ड वारंटी लीजिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एनालिस्ट नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्रोटेक में। दोस्तों, क्या पेनी स्टॉक से बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं? जी हाँ, कमाए जा सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा। और अगर आप मेरा चैनल जरूर देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर मैंने एक स्टॉक बताया था, सिटी नेटवर्क, जो मैंने 1 रुपये का स्टॉक था। और मैंने आपको बताया था कि 2 रुपये स्टॉक हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन वो अभी 5 रुपीज के ऊपर चल रहा है। तो मतलब 500-600 टाइम्स आप एक पेनी स्टॉक से कमा सकते हैं, जितने कि आप लार्ज कैप से नहीं कमा सकते हैं। लेकिन कुछ बातें को ध्यान देना जरूरी है कि आप ऐसे किसी पेनी स्टॉक को उठा के अगर पैसे लगाते हैं तो पैसे आपका डूब सकता है। तो पेनी स्टॉक में पैसे लगाने के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए, तो चलिए आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूं कि लास्ट 1 ईयर में कितना परसेंट मैंने कमाया है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि मैंने कुछ स्टॉक्स में 494%, मतलब अराउंड 500%, 483%, 300%, 350%, 270%, 200%, 174%, इतने सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास जिसमें कि इतने सब में 200% से ज़्यादा एक साल में रिटर्न आया है। 200, 300, 400, 500% तक रिटर्न आया है। और मैंने बहुत सारे स्टॉक्स वीडियो में बताए हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से अपने दोस्तों को भी बताया था। जैसे कि जेपी पावर मैंने बताया था, जो कि 2 रुपये 3 रुपये का स्टॉक 10 रुपीज चला गया। सिटी नेटवर्क का स्टॉक 1 रुपीज से 5 रुपीज चला गया। तो इससे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन आप आंख बंद करके सारे स्टॉक्स नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पास कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट है। हो सकता है नेचुरली सबके पास जीरोधा है, क्योंकि जीरोधा में लोग कहते हैं कि 0 रुपीज का ब्रोकरेज है। लेकिन एक सच्चाई बताऊंगा, मैं एक सवाल पूछूंगा आज आपसे, एक क्यों समझ के एक सवाल मैं पूछूंगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, मैं देखता हूं कि कितने सारे इन्वेस्टर इस सवाल का सही जवाब देते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और लास्ट में मैं आपको एक गिफ्ट भी दूंगा, तो इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बहुत सारे शेयर्स जो अपने दोस्तों को बताया या वीडियो में बताया, तो कई लोग का ये कंप्लेन होता है कि उस शेयर को वो बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर खरीद नहीं पाते हैं, जियोधा जैसे अकाउंट पर खरीद नहीं पाते हैं, वहाँ अलाउड नहीं है। तो क्या करना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेडर्स हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा कंप्लेन आता है कि वो शेयर ट्रेडिंग वो नहीं कर पाते। अपने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे उनका ट्रेडिंग अकाउंट है, फिर भी वहाँ से वो खरीद बिक्री नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए सेबी ने सभी ब्रोकर्स को कुछ लिमिटेशन दे रखा है। ऐसा नहीं कि एक बड़ा ब्रोकर है तो 100% ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन वहीं से होगा। उन्होंने कुछ लिमिट बना दिया है कि आप जियोधा पर 20% से ज़्यादा FNO में बाय सेल नहीं कर सकते, पर यूजर 5% ज़्यादा बाय सेल नहीं कर सकते। तो इस तरह से उन्होंने लिमिट बनाया है। तो अब सोचिए कि जिस ब्रोकर के पास सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है, सबसे ज़्यादा यूजर्स है, उसका लिमिट जल्दी क्रॉस हो जाता है और वहाँ से फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट रखना पड़ेगा जहां से आप ट्रेड कर सकें। सिर्फ एक ट्रेडिंग अकाउंट से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं आप चाहते हैं कि मैं आगे भी कुछ पेनी स्टॉक बताऊं जिसमें 500% 400% रिटर्न आए, तो आपको एक ब्रोकरेज से काम नहीं चलेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट से काम नहीं चलेगा। आपको मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट रखना होगा, नहीं तो बाद में आप भी कंप्लेन करेंगे कि आप जो शेयर बता रहे हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट में, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में वो ट्रेड करना अलाउड नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में अकाउंट खोलना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट आ गए हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट भी चलता रहता है,
लेकिन उसका हिडन चार्जेस भी होता है। तो मैं अब प्रीफर करता हूँ कि जो पहले का पुराना ट्रेडिंग अकाउंट है, जो फेमस है, जिस पे भरोसा है, उस पे ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहिए। और आजकल तो ऑनलाइन होता है, 15 मिनट में आप ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी बिना किसी पैसे दिए हुए। 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होता है और वहाँ सब जगह लगभग 0 डिलीवरी चार्जेस होता है, कोई ब्रोकरेज लगता नहीं है। तो आप, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप आदित्य बिरला कैपिटल में अकाउंट खोल लें। आपको मैं नीचे लिंक देता हूँ, क्योंकि आदित्य बिरला कैपिटल में अगर अकाउंट खोलते हैं तो बहुत जल्दी खुल भी जाता है, और आजकल वो ऑफर भी दे रहे हैं, 5,000 का डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं। या फिर एडल्सवाइज का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, वहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं। वहाँ पे एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट, कि वहाँ पे 1,000 रुपीज का ब्रोकरेज क्रेडिट देते हैं। दोस्तों, मैं आगे बहुत सारे पेनी स्टॉक बताऊँगा, तो बाद में कंप्लेन ना आए कि ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अलाउड नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2-3 ट्रेडिंग अकाउंट खोल लें, और अगर आप आदित्य बिरला कैपिटल में खोलना चाहते हैं या फिर एडल्स वाइज कैपिटल में खोलना चाहते हैं, तो मैंने नीचे लिंक दिया है, आप यहां से खोलिएगा। दोस्तों, मैं जो भी अपना एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बनाता हूं कि आपको, जिससे कि आपको शेयर में हमें फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, लेकिन इस वीडियो बनाने से कोई प्रॉपर फ़ायदा तो मुझे नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप क्लिक करके ही खोलें, जिससे मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी बात, कि जब भी आप किसी पैनी स्टॉक में पैसे लगाते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि पैनी स्टॉक कहते किसे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो स्टॉक जिसका प्राइस 10 रुपीज़ से नीचे, उसे पैनी स्टॉक कहते हैं। कुछ लोग का कहना है कि वो स्टॉक जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ से कम है, वो पैनी स्टॉक है। तो जो बहुत सारा स्मॉल कैप है, जिसे भी पैनी स्टॉक कहा जाता है, अगर उसका मार्केट कैप 100 करोड़ से कम है, और कोई जो ही नहीं कि उसका प्राइस 10 रुपीज़ के नीचे, और 10 रुपीज़ ऊपर भी हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसपे मैंने भी पैसे बनाए हैं, और मेरे काफ़ी फ्रेंड ने भी पैसे बनाए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रूफ में दिखाया कि 400%, 500%, 300% एक साल में पैसे बनाया हो, तो ये लार्ज कैप में 500% तो एक साल में आप नहीं बना सकते, 400%, 300% तो नहीं बना सकते। तो आपको पैनी स्टॉक तो चूज करना है, लेकिन पैनी स्टॉक को चूज कैसे करना है? तो नंबर 1, कि आपको जब भी पैनी स्टॉक चूज करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना है। आप देखेंगे कि जो भी बड़े बड़े टीवी चैनल पर लोग आते हैं, वो जनरली टेक्निकल एनालिसिस करके आपको शेयर रिकमेंड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि ग्राफ का पैटर्न देखते हैं, कि ग्राफ का पैटर्न क्या कहता है। लेकिन अगर जब पैनी स्टॉक सेलेक्ट करना है तो आपको ग्राफ का पैटर्न नहीं देखना, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना है, बल्कि उस कंपनी के अंदर आपको झांकना है, देखना है उसके फंडामेंटल में क्या चेंजेज हो रहा है, ऐसा क्या चेंजेज हो रहा है उसका फंडामेंटल में, जिससे कि इसके शेयर प्राइस में एक बड़ा बूम आ सकता है। तो जनरली आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि मैं जितनी भी शेयर की बात करता हूँ, उसका प्राइस के बारे में बात करता हूँ, तो मैं उसका फंडामेंटल देख कर बताता हूँ कि फंडामेंटल क्या चेंजेज है, क्यों ये ऊपर जा सकता है। और जब 10 रुपये का स्टॉक हो, 50 रुपये का स्टॉक में अगर एक बड़ा सा फंडामेंटल न्यूज आता है, तो उसमें काफ़ी ग्रोथ होने का चांस होता है, आपको आराम से 300%, 400% उसमें रिटर्न एक साल में मिल सकता है। तो मैं आगे बहुत सारे ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा कि जिसमें कि आपको छोटे स्टॉक में आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, और उसमें मैं रीजन भी बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। प्रूफ तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं, सिटी नेटवर्क है या और भी कई स्टॉक्स है जिसको मैंने बताया था। तो ये है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि उसे फंडामेंटल देखना है, टेक्निकल एनालिसिस न करके स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करना, पैनी स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि हर इन्वेस्टर को जानना चाहिए, या अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपने 100 रुपीज़ का एक स्टॉक्स खरीदा, 100 रुपीज़ का एक शेयर्स खरीदा, आज खरीदा और कल आपने उसे सेल कर दिया, तो जल्दी जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट हैं उसमें 0 ब्रोकरेज है, क्योंकि डिलीवरी पे मतलब आज खरीद के अगर कल बेचते हैं, परसों बेचते हैं, तो उसमें 0 ब्रोकरेज होता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप 100 रुपीज़ का एक शेयर खरीदते हैं आज, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप उसे 105 रुपीज़ में सेल करते हैं। 100 रुपीज़ में खरीदा, 105 रुपीज़ में सेल किया, तो आपको बताइए कि आपको कितना लॉस होगा इसमें। जी हाँ, मैं लॉस की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट तो मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो बताइए कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा या इसमें कितना लॉस होगा। सवाल एक बार फिर से सुनिए, 100 रुपीज़ का एक स्टॉक आपने आज खरीदा, 3 दिन के बाद आपने उसको 105 रुपीज़ में सेल किया,
तो आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। आप सारे हिडन चार्जेस को जोड़ करके आप बताइए कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किनका जवाब सही है और क्यों ऐसा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जैसा कि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था कि एक गिफ्ट भी देने वाला हूं, तो आजकल मैंने देखा है कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हो रही है। लोग अमेजन से, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग बहुत कर रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, वाटर प्योरीफायर खरीद रहे हैं, और उस पर नीचे लिखा होता है एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी के लिए अगर आप 500 देते हैं, 1000 पीस देते हैं, आपको इसमें एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगा। तो आज मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए, लेकिन जो अमेजन, फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स वेबसाइट पे है, उससे 15% कम रेट पे आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। और उसके लिए मैं एक साइट बता रहा हूँ, साइट को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। मैंने लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप साइट को विजिट कीजिएगा। उस साइट का नाम है ऑन साइट गो। मैं आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक, आप वहाँ क्लिक करके जाइएगा। और आपको एक कूपन कोड भी दे रहा हूँ, अगर आप उसे यूज़ कीजिएगा तो आपको ऑन जो एक्सटेंडेड वारंटी है किसी भी चीज़ का, या किसी चीज़ का आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको उसमें 10-15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा साइट मिला, मैंने सोचा चले आपके भी काम का होगा, इसलिए मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आगे भी मैं बहुत सारे पेनी स्टॉक के बारे में आपको बताऊँ, तो आप इस वीडियो को थोड़ा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और इस वीडियो पे कम से कम 1,00,000 व्यू आप ला कर दिखाइए, तो मैं समझूंगा कि आप रियली इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतना जल्दी आपको शेयर्स में प्रॉफिट भी होगा। और मैं पैसे भी दे चुका हूँ वीडियो, और आपने देखा है पिछले कई महीनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, वीडियो बनाने में उतना टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर आप लोग रियली हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं, शेयर्स करते हैं, तो मुझे मज़ा आएगा आगे बताने में। अभी तक मैं जनरली क्लोज ग्रुप को मैं बताता रहता था कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, और मैं खुल के वीडियो पर बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी बताऊँगा आपको फंडामेंटल बताऊँगा कंपनी का, और एजुकेशनल पर्पस बताऊँगा, और उस पर ट्रेड लेना न लेना वो आपकी मर्जी, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।